प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में गरीब गुरबा लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था दी जानी है, जबकि बक्सर जिले के शांति नगर बस्ती में लगभग 30 वर्षों से शौचालय के बिना लगभग 2000 गरीब गुरबा लोगों को गंदगी में खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, जबकि इन दलित लोगों के पास बीपीएल कार्ड भी है, इन्हें इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यहाँ ये समस्या बा कि सरकार देखते बानी कि हमनी के नहर के नीचे टट्टी पे खाना बीवी बच्चा सब हमनी के आने से बहुत परेशानी बा। सरकार हमनी के ये सोचत हन जा कि नहीं कि हमनी के घर में कुछ व्यवस्था मिले सरकार दे दी तो अति सुंदर हो। काची व्यवस्था चाहता नहीं, ये लाइटिंग वोटिंग हो जाए तो कम से कम अपने परिवार के कोई इज्जत अवरोध ना दी। कितना यहाँ बस्ती में कुल कितना लोग हैं? यहाँ कम से कम नहीं तो 5000 ले ऊपर हुई है। इसी शांति नगर में एक कन्हैया राम व्यक्ति जो दोनों पैरों से अपाहिज है, उसे शौचालय के लिए किसी दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। लैट्रिन का समस्या है। क्यों? इसलिए विकलांग है, जाने में दिक्कत होता है, नहर पास जाने में दिक्कत होता रहता है। आपके जैसे विकलांग भी और लोग हैं? बहुत लोग हैं। एक तरफ मर्दाना लेने से लोग एक तरफ से मेहरारू बैठल भाई सब तो रोल कहा जाता नहीं। हमने कहा चाहता जा शौचालय चाहता जा और का चाह जा पैखाना होला बिनु पेट में दर्द हो जाता है। चारों बगल से आदमी मर्द कुल बैठा था, मेहरारू के साधन बैठे के नहीं। पैखाना होला बिनु पेट में दर्द हो जाता, मुँह पेटो हो जाता, बीमार आदमी हो जाता, गरीब आदमी के पैसा नहीं खे जुटत। मैं और मेरा समुदाय ये चाहते हैं कि शौचालय की व्यवस्था की जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94 31 81 84 55 पर कॉल कर मेरी मदद करें, ताकि यहां के लोगों को शौचालय की सुविधा दी जाए। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।